पुस्तक संस्कृत सुरभि से पाठ एक संज्ञा शब्द पढ़ेंगे। संज्ञा शब्द अर्थात सभी का नाम। संज्ञा शब्द वो होते हैं जिनका हम सभी के लिए नाम प्रयोग करते हैं। जैसे संज्ञा शब्द पुल्लिंग, संस्कृत में पुल्लिंग शब्द इस प्रकार होंगे। एक वचन में बालक, द्विवचन में बालको, बहुवचन में बालका, एक वचन में नरह, द्विवचन में नरो, बहुवचन में नरहा, एक वचन में गजह, द्विवचन में गजो, बहुवचन में गजह। इसी प्रकार संज्ञा शब्द स्त्रीलिंग में संस्कृत में इस प्रकार प्रयोग किए जाते हैं। एक वचन लता, द्विवचन में लते, बहुवचन में लता, एक वचन में रमा, द्विवचन में रमे, बहुवचन में रमा, एक वचन में बालिका, द्विवचन में बालिके, बहुवचन में बालिका। इस प्रकार हम स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्दों को संस्कृत में पढ़ेंगे। आगे हम नपुंसक लिंग में किस प्रकार से संज्ञा शब्दों को पढ़ेंगे वो देखेंगे। बच्चों अब हम आगे नपुंसक लिंग शब्दों को पढ़ेंगे। नपुंसक लिंग एक वचन में फल को फलम, द्विवचन में फले, बहुवचन में फलानी, छात्र को एक वचन में छात्रम, द्विवचन में छात्रे, बहुवचन में छात्राणी, पत्रम को एक वचन में पत्रम, द्विवचन में पत्रे, बहुवचन में पत्राणी कहेंगे। आगे बच्चों हम फलों को नपुंसकलिंग, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में क्या कहते हैं, कैसे कहते हैं पढ़ेंगे। बच्चों अब हम संस्कृत में पुल्लिंग फलों को किस प्रकार से बोलते हैं ये पढ़ेंगे। जैसे जम्बू, जम्बू को जामुन को जम्बू फलम बोलते हैं संस्कृत में। इसी प्रकार खजूर को संस्कृत में खर्जूरह बोलते हैं, ईख को रसाल बोलते हैं। अब हम फलों में स्त्रीलिंग फलों को पढ़ेंगे। जैसे लीची को संस्कृत में लीचिका, अंगूर को द्राक्षा, ककड़ी को करकटी पढ़ेंगे।